शिक्षा, स्कूली शिक्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा का ये हाल है कि 18 से 23 साल के बीच में करीब 95 लाख युवा आते हैं, और इन 95 लाख युवाओं में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा लेने से वंचित हैं। मध्य प्रदेश में प्रति लाख जन युवाओं में केवल 29 शासकीय कॉलेज हैं, जबकि तमिलनाडु में 40, तेलंगाना में 53, केरला में 50, कर्नाटक में 62 प्रति लाख बच्चों में कॉलेज हैं। स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आपके समझ के पड़े रहेगी, और ये सब 18 साल की सरकार में। 18 साल इतना बड़ा समय रहता है, और वो भी एक ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल टर्मोइल था या कुछ था, एक आदमी ने करा, दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं करा, ऐसा नहीं है। केवल एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो दिन भर गाल बजा बजा के घोषणाएं करते हैं, 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं वो कर चुके हैं, जो जिसने सबेरा का सूर्य नहीं देखा, ऐसी 25,000 उनकी घोषणाएं, रोज घोषणाएं करते हैं। ऐसे में स्कूली शिक्षा इतनी बदहाल है कि प्रदेश के 2,621 स्कूल्स में कोई टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। करीब 7,793 स्कूल्स में केवल एक टीचर है, और 50,000 टीचर्स का स्थान रिक्त है मध्य प्रदेश में। 36,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देश में इन दिनों रोजगार को लेकर सरकारों ने जो स्किल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया जो बनाया, उसके बाद सरकारी पदों पर लगातार भर्ती की जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 50,000 शिक्षकों की भर्ती बताती है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो नए CM राइज स्कूल भी खुल रहे हैं, तो कई सारे हर जिले में स्कूल भी बने हैं। मध्य प्रदेश और देश में शिक्षा का स्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुधारा है, नई शिक्षा नीति लाकर भी, और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधार कर। अब रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस ने झूठ की दुकान खोल कर रखी है। लगातार झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, षड्यंत्र रचना, प्रोपोगंडा रचना, और मध्य प्रदेश और देश के विकास में अवरोध पैदा करना, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं एक चीज और कही है कि 2600 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, झूठ की दुकान है कांग्रेस पार्टी। प्रपंच और प्रोपोगंडा चलाकर मध्य प्रदेश में भ्रम फैलाना, भ्रम का वातावरण पैदा करना, अराजकता फैलाना, तो वो कामयाब नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि झूठ की दुकान चला रहे हैं, नए नए रोज प्रोपोगंडा अपना कर मध्य प्रदेश के विकास को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।